नमस्कार दोस्तों, मैं करण, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपनी नई वीडियो में। तो आज हम आपके लेके आए 3 BHK का फ्लैट, फर्निश फ्लैट होने वाला है, 9th फ्लोर का फ्लैट होने वाला है, काफ़ी अच्छी लोकेशन का फ्लैट है। अगर मैं अपार्टमेंट की बात कर देता हूं तो रेलवे अपार्टमेंट है, जिसको आप ऑर्चर्ड वैली नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसके सराउंडिंग की बात करता हूं, वैसे भी आजकल देखेंगे आप सेक्टर 19 का जो है ये, और उनमें से सोसाइटी है जो कि बाद में अलॉटमेंट हुई है, मतलब नई सोसाइटी जिनको बोल सकते हैं आप, तो उनमें से एक सोसाइटी होने वाली है आपकी। यहाँ पर अगर मैं आपको तो डेवलपमेंट सामने ही आपको बन रहा है इसमें गोल्फ कोर्स, पीछे बन रहा है आपका इसमें फुटबॉल स्टेडियम, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो रही है आपका सेक्टर 19 में। तो उसके हिसाब से इसके रेट भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहने का मतलब अप्रिसिएशन अच्छी मिलती है यहाँ के सेक्टर्स में, मतलब सेक्टर 19 के जो सेक्टर्स की अपार्टमेंट है वहाँ के रेट आपको इन फ्यूचर अप्रिसिएशन अच्छी मिलने वाली है। तो आइए गो थ्रू करते हैं इस फ्लैट को। 9th फ्लोर का फ्लैट होने वाला है, ऑर्चर्ड वैली अपार्टमेंट, 3 BHK का फ्लैट होने वाला है। तो आइए गो थ्रू करते हैं इस फ्लैट को। ये इसमें पार्किंग हो जाती है प्रॉपर पूरी सोसाइटी में, आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि ओपन पार्किंग है, बिल्कुल इस तरीके से है जैसे आप मॉल्स में देखते हैं ना, इस तरीके से प्रॉपरली कवर्ड पार्किंग है दूर दूर तक, और साथ साथ में देखेंगे यहाँ तक भी कवर्ड पार्किंग है प्रॉपरली, इस तरीके से हो जाता है इसमें। सो दोस्तों ये हो जाता है इसका लॉबी एरिया, यहाँ पर आपको 2 लिफ्ट केस मिल जाते हैं। लिफ्ट केस से जैसे आप निकलेंगे इस तरफ से फ्लैट मिलने वाले आपको 2 से 3, मतलब अलग अलग टावर्स हैं, ये इधर का टावर अलग जाता है, इधर का टावर अलग जाता है, बट लिफ्ट केस आपको इसमें इस तरफ मिल जाते हैं 2 लिफ्ट केस, और काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े लिफ्ट केस हैं, मतलब काफ़ी बड़े लिफ्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आप आएंगे ऐसे देखेंगे पूरी लॉबी पे धूप आ रही है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इस सोसाइटी की सराउंडिंग की, तो काफ़ी अच्छी है। पीछे आपको देखेंगे अगर आप लोग ने, अभी थोड़े दिन पहले हमने वीडियो डाली थी कोहिनूर के, 2 दस पीछे ही पड़ती है कोहिनूर भी। तो ये हो जाता है फ्लैट का एंट्रेंस कुछ इस तरीके से, लिफ्ट से आप ऐसे आएंगे और आपको यहाँ पे एक स्टेयरकेस मिल जाता है, ये लॉबी हो जाता है, ये मिल जाता है आपको फ्लैट का एंट्रेंस। सामने देखेंगे काफ़ी अच्छा टाइलिंग का काम किया हुआ है, एंट्रेंस बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, साथ साथ में डोर क्वालिटी बहुत हैवी है और काफ़ी बड़ा डोर को आपको, मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी थिक डोर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे आप एंटर करेंगे स्टोरेज के लिए आपको एक अलमीरा ऑप्शन दिया गया है, जिसको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो अगर मैं आपको फ्लोर प्लान की बात बताता हूँ, कॉमन वॉशरूम, 1st बेडरूम, लिविंग डाइनिंग, किचन, 2 बेडरूम उस तरफ, बड़ी बालकनी, तो इस तरीके से इसका फ्लोर प्लान होने वाला है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पहले बेडरूम की, तो ये हो जाता है आपका 1st बेडरूम एरिया, आइए ये हो जाता है इसका पहला बेडरूम, 10x13 के आसपास या 11x13 के आसपास का रूम साइज़ है। सेपरेट अलमीरा स्पेस है, फॉल सीलिंग का काम किया गया है, प्रॉपर टाइलिंग का काम किया गया है, आपको एसी की फिटिंग्स मिल जाती है, आपको 2 कबर्ड मिलने वाले हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कलर कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत है सनमाइका का, आपको सेपरेशन मिल जाते हैं और रॉड मिल जाती है, और अच्छा खासा इसमें काम किया हुआ है। सामने देखेंगे आप तो बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट में इसमें काम किया गया है, बड़ी बालकनी के साथ मिलता है वाला बेडरूम आपको, इसमें आपको बड़ी बालकनी अटैच मिल जाती है, इसमें देख सकते हैं ये आपकी बालकनी हो जाती है, तो ये आपकी बालकनी है जिसमें आप देखेंगे इस तरीके मिल जाता है आपको व्यू। तो ये बगल वाले में देखेंगे आपको ये यहाँ पे आपको फेसिंग करता हुआ मिल जाता है आपको NTPC जो सोसाइटी आपके सेक्टर 19 में, वो आपको फेसिंग करता हुआ मिल जाता है सामने। ये पार्क आप देखेंगे बच्चों का पार्क है स्पेस नीचे, और ये बच्चों का कुछ प्ले एरिया भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये कुछ आपको बालकनी स्पेस मिल जाता है। ये होता है आपका दोस्तों फर्स्ट बेडरूम। आप आते हैं अपने और पूरे फ्लैट को गो थ्रू करते हैं। इस वॉशरूम को जो कि कॉमन वॉशरूम है, इसमें उसको मैं बाद में दिखाता हूँ, जो कि आपका एक रूम से भी अटैच है। ये आता है आपका लिविंग प्लस डाइनिंग का साइज़, बहुत बड़ा लिविंग प्लस डाइनिंग का साइज़ हो जाता है, काफ़ी बड़ा ह्यूज आपका लिविंग डाइनिंग मिल जाता है यहाँ पे आपको। अगर मैं बात करता हूँ आपके लिविंग स्पेस की, तो ये आपका लिविंग स्पेस मिल जाता है, इसका साइज़ ऑलमोस्ट आप मान लो 13x20 के आसपास इस तरीके से होने वाला है। उसके बाद इधर आएंगे लिविंग स्पेस, आपका डाइनिंग स्पेस मिल जाता है प्रॉपर, देखेंगे फॉल सीलिंग का काम है, एसी की फिटिंग्स मिल जाती है, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा किया गया है, ऊपर देखेंगे आप इस तरीके से तो बहुत अच्छा कलर इसमें कंट्रास्ट किया गया है। यहाँ मिल जाता है आपको दोस्तों किचन एरिया, किचन स्पेस काफ़ी बड़ा
किचन स्पेस है ऑलमोस्ट आपका 8x11x12 के आसपास का साइज़ है। प्रॉपर तरीके से काम किया गया है, प्रॉपर देखेंगे आपको वेंटिलेशन मिल जाता है पीछे, ये पूरा वेंटिलेशन आपको मिल जाता है जिसमें UPVC का काम है। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और ये आपका वाइट कलर का कंट्रास्ट में काम किया गया है, नीचे आप देखेंगे डार्क कलर का कंट्रास्ट है, तो कलर कंट्रास्ट काफ़ी खूबसूरत किया गया है, प्रॉपर मॉडलर किचन होने वाला है। यहाँ मिल जाती है आपको पेंट्री जो कि बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है। इधर आपको चिमनी मिल जाती है, ये हो जाता है आपका प्रॉपरली मॉडुलर किचन एरिया। बड़ी बालकनी इस तरफ है, आपको मैं दिखाता हूँ अपना सेकंड बेडरूम इधर, ये आपका हो जाता है सेकंड बेडरूम एरिया, ऑलमोस्ट 10x12x13 के आसपास का साइज़ होने वाला है। सेपरेट आपका इसमें आपको वार्डरोब स्पेस दिया गया है, दो बेडरूम में दो कबर्ड मिल जाते हैं आपको। कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, साथ साथ में सेपरेशन किया गया है और प्रॉपर तरीके से इसमें आपको डेप्थ मिलने वाली है। इधर मिल जाता है इसमें आपको प्रॉपर वेंटिलेशन जो कि आपका बिल्डिंग के अंदर ही खुलता है, जिसको आप ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको UPVC का काम किया है, प्रॉपर तरीके से ओपन कर सकते हैं, बट ये आपका अंदर सोसाइटी में ही खुलता है। उसके बाद आप आएंगे दोस्तों तो इधर मिल जाता है आपको, ये आपका हो जाता है अटैच प्लस कॉमन वॉशरूम, जो मैंने आपको बताया था ये कॉमन वॉशरूम जो हो जाता है वही वाला ये वॉशरूम है। तो प्रॉपर हैंडवे की फिटिंग मिलने वाली है आपको, सारी के सारी हैंडवे की कंपनी की फिटिंग होने वाली है आपको। प्रॉपर तरीके से देखेंगे कलर कंट्रास्ट मिल जाता है टाइलिंग में, अलग अलग नीचे भी टाइलिंग मिल जाती है, स्टोरेज मिल जाता है, कमोड वगैरह मिल जाता है जो कि सारा हैंडवेयर कंपनी का होने वाला है। उसके बाद आप आएंगे तो ये हो जाता है आपका लास्ट बेडरूम इधर, ये आपका लास्ट बेडरूम हो जाता है दोस्तों, जिसमें आपका अगर मैं साइज़ की बात कर देता हूँ तो सेम साइज़ है, ऑलमोस्ट 10x13 के आसपास का साइज़ होने वाला है। वार्डरोब स्पेस यहाँ पर मिल जाता है आपको, जो कि आपका ऑलमोस्ट 1.5 कबर्ड का एरिया दिया गया है। सेपरेशन हैं प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है। उसके बाद आप इधर आएंगे दोस्तों की तो ये मिल जाता है इसमें आपको अटैच वॉशरूम, कलर कंट्रास्ट स्टाइलिंग का बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। बेडरूम वॉशरूम साइज़ काफ़ी बड़ा होने वाला है, फिटिंग्स आपको मिल जाती है साथ साथ में देखेंगे तो। कलर कंट्रास्ट में बहुत अच्छा काम किया गया है, आपको नीचे स्टोरेज मिल जाता है, कमोड एरिया मिल जाता है, सारी चीज़ में आपको मिलने वाली है। अब आते हैं दोस्तों, आपको इधर भी एक स्टोरेज मिल जाती है जो कि आपका किचन के जस्ट बगल में है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज डेप्थ ऑलमोस्ट आपका 2.5 फुट के आसपास की होने वाली है और ऊपर से नीचे तक आपको स्टोरेज यहाँ पे मिल जाती है। अब इसमें मिल जाती है आपको बड़ी बालकनी, जहाँ से मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट किया था, ये आपकी बड़ी बालकनी है देख सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको जहाँ से अपना इंट्रो स्टार्ट किया था वो वाला ये एरिया है, तो ये आपको इसमें बड़ी बालकनी मिल जाती है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कंप्लीट, बहुत खूबसूरत फ्लैट है। इस फ्लैट की जो डिमांड होने वाली है 2.5 की डिमांड है, 2.5 करोड़ रुपये का डिमांड है क्या बोलते हैं इस फ्लैट को विजिट करने के लिए। और इसी तरीके की फ्लैटों को विजिट करने के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर ये फ्लैट आपको विजिट करना है और आपको लग रहा है कि हमारे बजट में नहीं है, तो फिर भी हम ट्राई कर लेंगे फॉर यू और बेस्ट डील दिलाने की आपको इसमें कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।